कार्तिक से अपॉइंटमेंट ले लिया है, बाद में मिलता हूँ। ओके, यस मिस्टर कार्तिक। बैठिए सर। मिस्टर कार्तिक, मैं बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आया हूँ। मिस्टर कार्तिक, मैं बताता हूँ, पुलिस अटेंशन डाइवर्ट करके हमारी हिरासत से एक पुलिस स्टेशन से 4 खतरनाक आतंकवादी 2 पुलिस वालों को मारकर फरार हो गए हैं। कल 10 बजे तक उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया तो मेरे करियर के लिए एक ब्लैक मार्क हो जाएगा। उल्फा से लेकर सभी आतंकवादियों से उनके ताल्लुकात हैं। उनका अगला टारगेट है इंडियन रेलवेज। उन्हें फौरन अरेस्ट नहीं किया तो हमारे मुल्क में तबाही और बर्बादी का कहर बरपेगा। दे आर मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स। मिस्टर कार्तिक, आपके ऊपर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा पूरा भरोसा है। प्लीज, इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी के लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के इस ऑपरेशन में आपकी मदद की हमें सख्त जरूरत है। रियली, इसी वजह से पर्सनली मैं आपके पास आया हूँ। आप जैसे ईमानदार ऑफिसर का हमारी ज्योति सिक्योरिटी फोर्स पर इस कदर भरोसा करने का बहुत शुक्रिया सर। शहर के सारे चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया है ना? ओह यस, वो तो तभी कर दिया था। तब तो उनका शहर से बाहर जाना नामुमकिन है। अब तो आप इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल मानिए सर। एनी हाउ बी अलर्ट, वो काफी खतरनाक है, आप जरा होशियार रहिएगा। मौत से ज्यादा खतरनाक तो नहीं होंगे ना? कार्तिक की किस्मत में शिकस्त नहीं है सर। थैंक यू मिस्टर कार्तिक। हेलो, कंट्रोल रूम। यस सर, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। आतंकवादी जो पुलिस की जीप लेकर फरार हुए हैं उसका माइक नंबर क्या है? नंबर 3 सर। माइक नंबर 3, कॉल बैक टू कंट्रोल रूम। माइक नंबर 3, कॉल बैक टू कंट्रोल रूम। इस तरह कंटिन्यूस अनाउंस करते रहो सर। प्लीज, जैसा कहा है वैसा करो। Oh!
हेलो, मैंने आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस समय आप कहाँ हैं सर? मैं इस वक्त एक अहम मीटिंग में हूँ। आप उन्हें R3 पुलिस स्टेशन के हवाले कर दीजिए। R3 पुलिस स्टेशन। दूसरी अंदर, अब तुम जाओ। एक मिनट सर। इन चारों लोगों का इन्हें कोर्ट में हाजिर किए जाने तक इस पुलिस स्टेशन की चारों तरफ से नाकाबंदी कर दीजिए। सिखाओ मुझे, सब कुछ सिखाओ मुझे, पुलिस को सब कुछ सिखाओ। तुम बेल्ट कैसे लगाते हैं ये सिखाओ, बेल्ट कैसे लगाते हैं ये भी सिखाओ, जिप कैसे लगाते हैं वो भी सिखाओ। सर आप नाराज क्यों हो रहे हैं? स्टॉप इट। एडवाइस देता है, खुद को इंडिया का प्रेसिडेंट समझता है, जानता है मैं कौन हूं, मेरी पावर क्या है जानता है, चींटी के कौन से पैर में कितनी उंगलियां और उसकी खोपड़ी में कितना भेजा है सब खबर है मुझे। अब मेरे भेजे की सफाई मत कर, अपने शू की सफाई कर जाकर। पुलिस सिलेक्शन बोर्ड के चपरासी को घूस देने से लेकर होम मिनिस्टर की वाइफ के कपड़े धोने तक का काम करके इस मुकाम तक पहुंचाऊं मैं। जिंदगी भर की है मैंने, पुलिस वाले की मार सब जानते हैं, पर पुलिस वाला कितनी मार खाता है किसी को नहीं पता। तेरे बदन में उतना खून नहीं होगा जितना मैं बहा चुका हूँ। एंटी करप्शन वालों के घर की रोटी ऑल इंडिया लेवल पर करप्शन वालों की बदौलत चलती है। सर ये डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर है। पता है, पान खिलाने से लेकर प्रधानमंत्री को चूना लगाने तक की सारी खबर है मुझे। तूने अपनी दलाली कर ली ना, कल सुबह न्यूज़पेपर में तेरी फोटो कमिश्नर की फोटो के साथ छप जाएगी। तूने इस शहर के सारे 83 पुलिस स्टेशन, 4 ज्वाइंट कमिश्नर, 8 डिप्टी कमिश्नर और 70 असिस्टेंट कमिश्नर सबको हिचड़ा बना दिया है। चुप, चलाने दे चलाने दे, इससे पहले कि ये लोग सलाखें तोड़े और बाहर आकर तुझे हिचड़ा बनाए। फूट ले, गेट लॉस्ट। चारों आतंकवादी भाग गए सर। क्या बोला था, तुझे बेल्ट लगाना सिखा दूं? तुझे बेल्ट पहनने की क्या जरूरत? ए, शर्ट में बटन लगाना सिखा दूं? हाँ?
तुझे इस बैच की वैल्यू पता है? हाँ? लड़वों के तलवे चाटने वाला तू इसकी कीमत कैसे जानेगा कमीने? चीटी की किस पैर में कितनी उंगली होती है और उसकी खोपड़ी में कितना भेजा होता है आज तुझे पता चलेगा। What is this? पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने का हक तुम्हें किसने दिया मिस्टर कार्तिक? आपने ही दिया। बच के भागने के लिए आतंकवादियों को गिरफ्तार करने का हक दिया था। इस तरह इरेस्पॉन्सिबल काम करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। देखिए सर, अच्छी तरह देखिए सर, डिपार्टमेंट की इज्जत का पोस्टमार्टम कर दिया सर। सर यहां में एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने से डिपार्टमेंट की तौहीन होगी इसका जरा भी एहसास नहीं। सर, मेरी जानकारी में कोई गैर कानूनी काम करे और मैं देखता रहूं तो ये नामुमकिन है। चाहे वो कोई पुलिस वाला हो या पार्लियामेंट वाला, कोई भी गैर कानूनी काम करेगा तो उसका हाल यही होगा। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा सर, जिसे मैंने इस कदर पीटा वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं, आतंकवादियों को फरार कराने वाला देशद्रोही है। गुफा में छिपे बिन लादेन की तरह खाकी वर्दी में छुपे इस गद्दार को पीटना या उसे जान से मारना, आप ही बताइए गलत है क्या सर? जो कुछ तुमने कहा क्या उसे तुम साबित कर सकते हो? कर सकता हूँ सर, मेरी बात जरा गौर से सुनिए, उसके बाद फैसला कीजिए। मुझे जो चाहे सजा दीजिए, मुझे मंजूर होगी सर। इसने आतंकवादियों को किस तरह फरार कराया है ये बात आप इसी से पूछिए सर। साहब ये एकदम बकवास कर रहा है, मेरे रिवॉल्वर में 10 बुलेट थी, 6 बुलेट थी, सब उन पर चला दी मगर वो मुझे बांधकर भाग गए सर। सर, इसके स्टेटमेंट को झूठा साबित करने का सबूत इस बैग में मौजूद है। इस बैग में रखे कैमरे में इसकी सारी करतूत बाकायदा रिकॉर्ड है। लीजिए सर, देख लीजिए। अब मेरी नौटंकी शुरू होगी, तुम लोग गांधी जी के बंदर बन जाओ। यस सर। आ रहा, चलो बाहर आओ, कमॉन कमॉन। सर इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, पुलिस वालों को बदनाम करने की साजिश है, इसने ग्राफिक्स किया है। यू शट अप। रिवॉल्वर से बुलेट की तरह निकलने वाले तुम जैसे लोग कीमे की तरह कुट करके बिना प्रीमियम के बीमे की तरह वापस यहाँ चले आए। अरे तुम लोगों को तो मैंने ओसामा बिन लादेन का बाप समझा था, सोचा था यहाँ से भागोगे तो कम से कम लाहौर में जाकर सरेंडर होगे, मगर तुम लोग तो चिरकट लोग दूसरे सिग्नल से भागे और 5वें सिग्नल पर पकड़े गए, शर्म नहीं आती? थू! अब मैंने तुम्हें क्यों शूट किया पता है? 6 बुलेट तुम लोगों पर चलाई फिर भी तुम लोग फरार हो गए, ये कमिश्नर से झूठ बोलने के लिए। अबे कांस्टेबल ताला खोल, बुलेट वापस ला के दे। अरे तुम लोग तो भाग जाओगे यहाँ से मगर वो कमिश्नर जो है ना वो मुंडन तो मेरा करेगा ना। क्या देख रहे हो, ये मैंने नहीं किया, तुम लोगों ने काटा है। ए चाकू को संभाल कर रखो, सबूत के काम आएगा। ए रस्सी लाकर बांधो मुझे। अरे मेरा थोबड़ा क्या देख रहे हो, रस्सी से अच्छी तरह बांधा मुझे। सर मेरे चेहरे पर 4 थप्पड़ मारो। ये क्या कर रहे सर? अरे मुझे 4 थप्पड़ मारकर मुझे रस्सी से बांधकर भागने के लिए बोल रहा हूँ। चलो बांधो, मैं बैठता हूँ। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। बस इतना काफी है। आप तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो, चलो भागो भागो। थैंक यू मिस्टर कार्तिक, इतने सेंसिटिव केस को जिस तरह आपने हैंडल किया वाकई काबिल तारीफ है। मिस्टर कपिलन, यू आर इन सस्पेंशन एंड अंडर अरेस्ट। अरे क्या हुआ? क्या भैया? अच्छा वो स्कूटर, तुम्हारी स्कूटर को ना छूने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। कार्तिक के भाई हो तुम, दिन फिर गए क्या उसका? चलो। सुनो हे महाकाली माता, जिस तरह तूने कालिदास को बोलने की शक्ति दी थी उसी तरह इस दास को भी बोलने की शक्ति दे दे, मैं आजीवन प्रतीक्षा करूंगा। नहीं नहीं शीघ्र ही ये बोलने लगे मैं मांगता हूँ। सुनो मांग, शीघ्र ही बोलने लगे ये मांगता हूँ। अगर ये बोलने लगा तुम ये
मुझ पे 50 किलो लड्डू चढ़ा के यही बोल रहा है ना? तुम पर 50 किलो लड्डू चढ़ाएगा यही बोल रहा था। यहाँ देख, देवी के सामने अब बोलने की प्रैक्टिस करो तुम। हैं, इतना कोशिश करो ना, बोल बोल बोलना। अरे प्रैक्टिस कर, जल्दी बोलना। अम्मा, अबा, अबा, दादी, दादी, जल्दी। अरे वाह, बोल दिया इसने, बोल दिया। अरे मन की इच्छा पूरी हुई देवी, आज मन मेरा गा। तो तू क्या अभी बोल नहीं पाया? मैं समझा बोलने लगा तू। एक्सक्यूज मी, मैं ज्योति रोजगार ऑफिस से आया हूँ। आपको कोई नौकरी चाहिए? हाँ, मुझे हॉर्लिक्स चाहिए। हॉर्लिक्स? हाँ, ऑर्डिनरी वीवा, बोर्नवीटा हो तो भी चलेगा, मैं ऐसे ही पी लूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। पता नहीं, अजीबोगरीब नाम है। अच्छा, कहाँ से आई हो? पता नहीं। हाँ, कहाँ जाओगी? पता नहीं। एड्रेस तुम्हारे पास है? पता नहीं। तुम्हारी पहचान का कोई है? पता नहीं। तो फिर तुम्हें क्या पता है? पता नहीं। क्या बात है? सर, कुछ भी पूछो, पता नहीं कह रही है। तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। तुम कहाँ से आई हो? पता नहीं। देखने से ही कम उम्र की लगती हो, अकेले ही इस शहर में आई हो। अगर यहाँ के गुंडे लोग तुम्हारे साथ बदतमीजी करेंगे तो तुम क्या करोगे? बदतमीजी? वो भला क्यों? तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें वाकई नहीं पता या जानकर भी अनजान बन रही हो। ए, क्या हुआ? मुझे नौकरी देंगे कहकर अफसरिया मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तुम्हें सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि महफूज जगह भी चाहिए। चलो चलो। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? पता नहीं। ये क्या, हर सवाल का जवाब पता नहीं दे रहे हैं? मैंने सिर्फ 2 बार पता नहीं कहा तो तुम्हें गुस्सा आ गया। यही गुस्सा मुझे स्टेशन पर आया था। ये मेरा ही घर है, तुम्हारी बेहतरी के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लेके आ गया। हॉस्टल में रहने के लिए फोन कर दिया है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आने तक यहाँ बेहिचक रह सकती हो। डैडी। हाय। हाय पूजा। हेलो डैडी। इन आंटी का नाम है अनु। हाँ अनु, कुछ दिनों के लिए ये यहीं रहेंगी, उस कमरे में रहेंगी और इनका पूरा ख्याल तुम्हें रखना है। ओके ओके। या हेलो आंटी, आई एम पूजा, फर्स्ट स्टैंडर्ड। हेलो, क्या कहा, फर्स्ट स्टैंडर्ड? आईएएस की तरह बात कर रही हो? इतनी बड़ी होके आईएएस की तरह बातें करूंगी तो ही तुम्हें बड़ी होने पर आईएएस पढ़ पाऊंगी। ओके मैम साहब, मैं आज से ही तुम्हें पूजा आईएएस कहकर ही पुकारूंगी। आई लाइक इट, कीप इट अप। यू लाइक हॉट और कोल्ड? एज यू लाइक। मैं कोल्ड ड्रिंक खिलाती हूँ, तब तक आप बैठिए। लगता है बेचारी को मेरी तरह बोलना नहीं आता, गूंगी है। समझ गए, भगवान ने बनाई जोड़ी एक गूंगा एक गूंगी, अच्छी जोड़ी मिलाई है, पहले क्यों नहीं मिलाई?
फूल चाहिए, एलो एलो, और बड़ा फूल चाहिए। ठीक है, सब्जी मंडी जाकर गोभी का फूल ले आता हूँ। क्या खोद रहा है इधर? अरे 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 पत्थर, हाँ ये पत्थर है। अरे शीला, मेरा नाम शीला जी है, बता रहे हो। अच्छा तरीका है मेरा नाम बताना। छोड़, मैंने इस लड़की से हाथ मिलाया था, तूने जो पकड़ लिया। मैं तुझसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ जोड़ता हूँ। तू कितना बेवकूफ है, इस लड़की को देखो। अरे भगवान ने जिस सांचे से मल्लिका शेरावत को बनाया, उसी सांचे से इसे भी बनाया। अरे मल्लिका शेरावत तो कुछ भी नहीं इसके साथ। मैंने तो सिर्फ इसकी तारीफ की थी, तारीफ की थी। उसे बोलना नहीं आता तो क्या तू उसकी नकल उतारेगा? जो आ रही है सब तेरी वजह से हाल हुआ है मेरा, तेरा क्या होगा? सॉरी मैडम। ठीक है, इधर आओ। अब जैकेट तो निपट। अरे बाप रे, इधर आओ। बाप रे, लगता है चंबल से आई है। जब बोल सकती थी तो मुंह से बोल देती। मालिक नमस्ते। अपने भाई के लिए अच्छी डोरी लेके आए हैं। वैसे चंबल के कौन से गांव से लाए हैं? काल से हाथ हटा। हटा दिया मगर ये क्यों? अबे वो तुझे चंबल से आई हुई लगती है, अकल नहीं है? वो तो है। जा। ये क्या सवाल का ये जवाब दिया? नहीं, मैं अपने बाप को याद कर रहा था। hey, तुम कब आए? ये मेरा भाई है सूर्या। हाँ, हमारी पहचान हो चुकी है। ये बोल नहीं सकते क्या? नहीं अन्नो, बचपन में ही एक हादसे में इसने आवाज खो दी। तुम्हारे मन की बात तुम बोलती हो, मेरे मन की बात मैं बोलता हूँ, पर इसके मन की बात यहाँ रहने वाले सभी लोग बोलते हैं। हाँ सूर्या, मुझे जरा काम है। ये लड़की कुछ दिनों यहीं पर रहेगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। पूजा, ये कौन है? मेरी माँ। कहाँ है ये? ये तो चली गई। हे राम, इतनी कम उम्र में चल बसी। इंट्रोडक्शन दे दिया। मैडम कौन है? इनकी मिसेस है बुद्धू। अच्छा बताओ, वो कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल तो रही? कॉन्फ्रेंस तो सक्सेसफुल, पर मेरे घर में ये कैसा कंफ्यूजन?
इधर सुनो ना, मैं रेलवे स्टेशन गया था, वहां ये लड़की अकेली खड़ी हुई थी। मैंने सोचा अकेली लड़की है, कहीं इसके साथ गलत ना हो, मैं यहाँ ले आया। यहाँ कुछ दिन तक रह लेगी, फिर कहीं हॉस्टल में रहने को भेज देंगे। ओके, गुड जॉब, गुड जॉब। और अबे चुप, आप रिपोर्ट लिख लीजिए। गवर्नर के बेटे के खिलाफ कंप्लेन लिखाना दिमाग खराब हो गया क्या? क्या फालतू बातें कर रही हैं? आप मेरी बात सुनिए, अंदर बहुत सारे काम पड़े हैं, उसे निपटाना है। प्लीज आप बाहर आइए, बाहर आइए। कहूंगी, मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं। आप बाहर आइए ना, बाहर। परेशानी नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? रिपोर्ट लिख लीजिए, गवर्नर ने मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी का चेहरा मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। जरा हेल्प कीजिए सर, मेरा कोई नहीं है, मैं जिंदगी में आपकी एहसान बंद रहूंगी। इनका नाम है सावित्री, इनकी बेटी की कल रात मौत हो गई। ये नेचुरल डेथ है या कत्ल है इनको शक है। मुझे इनकी रिपोर्ट के बिना पर इंटेलिजेंस की हैसियत से क्रिमिनल का पता लगाने के लिए उस घर में जाने की इजाज़त चाहिए, लिहाजा आपके पास आया। डेड बॉडी वहां से हटने से पहले उस घर में जाकर तहकीकात करने के लिए आपकी लीगल परमिशन चाहिए। आप तहकीकात करने जा रहे हैं गवर्नर के घर पर? सेंसिटिव इशू है ये, जरा संभल के। यस सर। आ गया मौत का बाप, किसी की बजने वाली है यार, आज देखते हैं किसकी शामत आई है। हेलो, वेलकम। आपको देखते ही पहचान गया। वेल, देयर इज क्राइम, देयर इज कार्तिक इन शूट। मैंने आपसे मुलाकात नहीं की, आपसे बात भी नहीं की, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बेटी, जानकी। किसे अंदर किसने आने दिया? कमीने ने मार डाला मेरी बेटी को। ये आदमी इस औरत का दामाद है और कातिल भी है शायद। मैंने आपसे मुलाकात नहीं की, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं कहा। कमीने, तूने मेरी बेटी को मार डाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरी बेटी को मार डाला। इसे इस घर से बाहर निकाल दो। सर, आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने अपनी बीवी को खोया है, इन्होंने भी अपनी बेटी खोई है, इनका दुख भी जरा समझिए। बाहर जाकर ये रोएंगी और चिल्लाएंगी, उससे आपके डैड की इज्जत का क्या होगा? सर, इसने ही मेरी बेटी को मार डाला है, ये पहले उसे पीटता था। मेरी बेटी तो मर गई सर, लेकिन आप इंसाफ कीजिए। जब आपने गुनाह नहीं किया तो फिर डर क्यों रहे हैं? मैं कहां डर रहा हूं सर, मेरी बीवी मेरी जान थी, लेकिन पता नहीं क्यों इसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी और पोस्टमार्टम की जिद कर रही है। मैं एकदम परेशान हूँ, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए। हाँ सर, सुबह इन्होंने फोन किया था कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, फौरन आइए, इन्होंने ऐसा कहा। मैंने चेकअप किया तो हार्ट अटैक से उनकी मौत हो चुकी थी। नहीं नहीं नहीं, इस पर यकीन मत कीजिए, झूठ बोल रहा है। कल शाम को मेरी बेटी ने मुझे फोन किया था कि माँ मुझे यहाँ डर लग रहा है, आके मुझे ले जाओ, इसने मेरी बेटी को मार डाला। गलत है, गलत काम नहीं कर सकते। कोई पानी नहीं लाएगा। ये लीजिए। सर, इससे ज्यादा नाटक बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस घर से इस औरत को बाहर निकालिए। सॉरी सर, आपकी परेशानी मैं समझ रहा हूं। मैंने इस औरत की बातों में आकर आपको गलत समझा था। इसकी शक्ल से ही ये मुझे कुछ पागल लग रही है। मैं फौरन मेंटल हॉस्पिटल को फोन करके एडमिट करने के लिए बोलता हूँ। हाँ सर, यही ठीक होगा। सर, अपनी बीवी का इलाज करवाने के लिए आप उन्हें लेकर किसी हॉस्पिटल में गए थे? हाल ही में कहीं ट्रीटमेंट करवाया था? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। मेरी बीवी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, वो सुई वगैरह से बहुत दूर रहती थी, बहुत डरती थी सर। तू मुझसे ही हीरो बन रहा है। Thank you.
सुई का निशान उसके बदन पर है और सिरिंज भी है, ब्लड भी क्लॉट है इसमें। हेलो गीता, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, एक शक है मुझे। क्या शक है, बोलिए ना। इंजेक्शन के सिरिंज में तो ब्लड क्लॉट है और सिरिंज में कोई मेडिसिन वगैरह हो ऐसा भी नहीं है। अच्छा, बिना मेडिसिन के इंजेक्शन लगाने से क्या कुछ हो सकता है? हाँ, तब तो सिरिंज में मेडिसिन के बिना ही वैक्यूम ही रखकर वेन में प्रेस करने से, वैसे ही एयर बबल अंदर जाने से, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप होने से हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। सर, फोन यहाँ पर आउट ऑफ ऑर्डर है, यहाँ कोई और फोन वगैरह से ट्राई कीजिए सर। नाइन एट फोर डबल जीरो थ्री डबल फोर थ्री नाइन। ये क्या है, एक ही नंबर है? एक ही नंबर को सात बार फोन किया गया है? किसका नंबर होगा? ट्राई करता हूँ। हेलो किरण, मैं शोभा बोल रही हूँ। क्या हुआ, हमारा प्लान सक्सेस हो गया? तुम्हारी वाइफ मर गई क्या? क्या हुआ किरण, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? साथ में कोई है क्या? ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। लैब में चेक करने को भेज दो। क्या हुआ, बात हो गई? नहीं, मैंने ट्राई किया लेकिन एंगेज। मुझे दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। नंबर बोलिए सर। 9840 3 4 3 9 0 3 4 3 9। क्या नंबर बताया आपने? 9840 3 4 3 9। ये नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? कैसे मिला बता? कहाँ से मिला बताओ। क्यों, ये नंबर डायल करने से एड्स हो जाएगा या फिर सुनामी आ जाएगी? ए, बाहर जाओ, गेट आउट, बाहर जाओ, बाहर जाओ यहाँ से। डॉक्टर, डॉक्टर, किरण, मिस्टर किरण, क्या हुआ? डॉक्टर किरण, किरण, क्या हुआ आपको? डरिए मत, डरिए मत, जरा सा टेंशन है और कुछ नहीं, आप लोग जाइए, जाइए। ए डॉक्टर, इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन नहीं है। सर, मैं इनका पर्सनल डॉक्टर हूँ, कौन सा इंजेक्शन देना है ये मैं जानता हूँ। मुझे कौन सी मेडिसिन देनी है मुझे मालूम है, तुम अपना काम देखो, जाओ। डॉक्टर तुम बाहर मत जाना, सुकून से रहो, टेंशन मत लो। व्हाट इज दिस? नो 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 नो, स्टॉप इट। ए नो, ये क्या कर रहे हो? नो, ये क्या कर रहे हो? ऐसा करना सही नहीं है। नॉर्मल इंजेक्ट करने से एयर बबल फॉर्म हो जाएगा, वन सेकंड में ब्लड के जरिए हार्ट में जाएगा और फिर हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, नहीं जानते क्या? जानता हूं, मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, लिहाजा ऐसा किया। अच्छा, अपनी बीवी को तुमने ऐसे ही मारा ना? ए, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच बताना वरना गुस्से लूंगा। मैं सब बताता हूं। सच बता। वो क्या है कि मेरा और मेरी बीवी का। मीडिया वालों को बुलाओ। ए, ऐसे घूर के क्या देख रही है? कब तक मुझ पर बोझ बनी रहेगी? हाँ, तुमने मुझसे प्यार करके शादी की थी, अब शादी करने के बाद तुम साथ। कब तेरी उम्र थी 18, अब 23 साल, 5 साल गुजर गए, फूटी कोड़ी भी नहीं लाई, इतना जरा सा सिंदूर क्या लगाया मैंने? 5 साल का बोझ बन गई तू तो मेरे ऊपर, तेरे इस थोबड़े के ऊपर सिंदूर लगा के बर्बादी कर ली अपनी। शादी करना पाप है क्या? शादी करना पाप है क्या? बोल, पाप है क्या? बोल। नहीं, 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 मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ एक छोटा सा इंजेक्शन, काम तमाम। इधर देख, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा है। ये हवा जो है, हवा
तुम्हारे बदन में जाते ही रगों में लगातार बहते हुए खून को पहने से एकदम रोक देगी। हार्ट में हवा जाते ही क्या होगा, तुझे हार्ट अटैक होगा और तू मर जाएगी। बस तेरी मौत का सामान कितना आसान है ना, अब मुझे इसे लगाने दो, ज्यादा बचाव मत करना। है इस तरह का घटिया खूनी काम करने वाला तू वाकई क्रिमिनल है। तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आती मुझे। मिस्टर कार्तिक, यू डिड एन एक्सलेंट जॉब, आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर। अगर मैं गवर्नर के ओहदे पर नहीं होता तो मैं खुद ही से इसे तो गोली से ही उड़ा देता मैं। सर, सिरिंज के ब्लड की रिपोर्ट आ गई है। इस सिरिंज का ब्लड और डेड बॉडी का ब्लड एक ही है, यही लिखा है मेडिकल रिपोर्ट में। सर, डीसी साहब, सर फौरन इसे अरेस्ट कीजिए। यस सर। आपको जो भी एक्शन लेना है वो जल्दी लीजिए। कार्तिक के पास जितने भी एविडेंस हैं कोर्ट में सबमिट करेंगे। गवर्नर का बेटा ये सोचकर कोई रियायत न बरती जाए। गवर्नर का बेटा हो या चपरासी का बेटा हो, कानून सबके लिए, इसे एहसास होना चाहिए। हाय। नमस्ते। ये लो, ये तोहफा तुम्हारे लिए, ले लो। ये तोहफा किस लिए? तुम्हें बेचारी समझकर मैं तुम्हें लाकर ये तोहफा दे रहा हूँ, ये सोचकर तुम इनकार नहीं करना। अरे रे, you are mistaken। मैं ढेर सारी साड़ियाँ फैशन शो के दौरान पा चुकी हूँ। वो फैशन शो की शान बढ़ाने के लिए होगी, लेकिन ये जो साड़ी है मेरे खानदान की शान बढ़ाने के लिए है। तुम दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे के हो चुके हो, तुमने सोचा हमें खबर नहीं होगी? तुम दोनों के दिल की जुबान उस मावतारगन की आवाज ने बयान कर दी है। तुम कहां से आई हो, कहां जाओगी, क्या करोगी, ना मैं जानता हूं, ना ही जानना चाहता हूं, और ना ही कभी जानना चाहूंगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस घर में हमेशा हमारे साथ ही रहो। इसी बारे में ही कल रात हम दोनों, मैं और मेरी बीवी, तुम दोनों के बारे में ही बात करते रहे और फिर ये फैसला किया। यहां क्या कर रहे हो? अब तुम दोनों शादी कर लो। बस कीजिए। आखिर इस बात को डिसाइड करने का हक आपको दिया किसने? बस 10 दिन खाना खिला करके मेरी लाइफ पूरी तरह से तबाह कर देना चाहते हैं क्या? नौकरी दिलाने की लालच देकर अपने गूंगे भाई से मेरी शादी कराना चाहते हैं? क्या मैं आपके घर आई थी? क्या मैंने आपसे नौकरी मांगी थी? मैं यतीम हूँ तो आप जो भी कहेंगे मुझे उसे मानना होगा। सूर्या, अनु, आपके भाई से शादी करने के लिए मैं कोई गूंगी, बहरी, लंगड़ी या अंधी नहीं हूँ। मैं अभी इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ। मेरे भाई ने ये सब कहने को नहीं कहा, मैंने खुद कहा है। ये बात उसे पता नहीं। मेरा भाई बहुत ही मासूम है। उस बेचारे के दिल की खुशी के लिए मेहरबानी करके इस घर से कहीं नहीं जाना।
संजय चटर्जी की फांसी के बाद अब दूसरा मुजरिम जो की सुर्खियों में है गवर्नर का पुत्र आरवी किरण कुमार, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी खून करने के जुर्म में फांसी की सजा आज सुबह ही सुना दी है। मुजरिम आरवी किरण कुमार पर अपनी पत्नी जानकी की हत्या करने का आरोप है। पिछले कई दिनों से ये मामला सुर्खियों में ऐसे ही रहा है। 15 दिन बाद इस महीने की 17 तारीख को फांसी देने का सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। यहाँ क्या कर रहे हो? और कोई काम नहीं है क्या? आपके बेटे को फांसी दी गई है ये खबर तो सुनने दीजिए सर, आप भी जाके अपना काम देखो, जाओ। सूर्या, तुम्हारे दिल से आंसू नहीं छलकने चाहिए, खुशी छलकनी चाहिए। तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए हम सब अमेरिका जा रहे हैं। ये देखो, पासपोर्ट, टिकट, वीजा, सब कुछ आ गया है। अमेरिका के डॉक्टर के पास से फैक्स भी आ गया है। तुम्हारे ऑपरेशन की डेट आते ही अगले दिन हम सब अमेरिका जा रहे हैं। एक छोटा सा ऑपरेशन और फिर तुम बोलने लगोगे। मेरा शुक्रिया मत अदा करो, सब तुम्हारी भाभी ने किया है। तुम्हारे ट्रीटमेंट का सारा इंतजाम इन्होंने ही किया है। परेशान मत हो सूर्या, तुम्हारे बोलते ही तुम्हारा नाम एस्ट्रोलॉजी से मैच करके हजारों लड़कियां क्यू में खड़ी होंगी तुमसे शादी करने के लिए। उसमें से तुम्हारे लायक लड़की मैं ही सिलेक्ट करूंगी। अगर तुमने इनकार किया ना तो मैं तुम्हें पी दूंगी। सूर्या, जब तुम बोलने लगोगे तो पहले किसका नाम बोलोगे? अमरा। माता, ठीक है, फिर किसका नाम बोलोगे? पिता। देख लिए अपने भाई को, ये जब बोलने लगेगा तो हम दोनों को भुलाकर सबसे पहले ये अपने माँ बाप का नाम ही लेगा। भाभी, मेरी माता, भैया मेरे पिता। ये देखिए मैडम, इसका बॉर्डर देखिए मैडम, ये वाला दिखाइए ना। हाँ, ये भी देख लीजिए। ये मेरे लिए नहीं, ये मम्मी के लिए है। सूर्या, तुम उस तरफ जाकर शूटिंग शटिंग पसंद कर लो, मैं अभी आती हूँ। सूर्या, शूटिंग शटिंग पसंद करने को कहा था, यहाँ लड़की के मॉडल देख रहे हो? ए बदमाश, मुझसे छुपा रहे हो? मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, मुझसे मत छुपाओ। अमेरिका से वापस तो आ जाओ, अच्छी लड़की देख के तुम्हारी शादी करा दूंगी। ओके, शर्मा गए बुद्धू। चाचा, मुझे खिलौना दिलाने को बोले थे, चलो ना, यहाँ खड़े होकर क्यों बात कर रहे हो? चलो ना, तुम चलो, मैं आती हूँ। Be careful, Surya. It's important. Thank you.
सूर्या, पूजा, पूजा, चाचा कहाँ है? चाचा कहाँ है? पता नहीं माँ, चाचा गुंडों से लड़ रहे थे। हाँ। पूजा, तुम आ गए? गीता, सब ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, सूर्या कहाँ है? यहीं पर गुंडों के साथ लड़ रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे चाचा कान में बिठा कर खुद गुंडों के साथ लड़ने लग गए थे। सूर्या कहाँ है किसी को नहीं पता? नहीं पता। कहाँ गया होगा? खैर, आओ चले। सारे शहर में चारों तरफ दंगा फैला हुआ है। गवर्नर ने कहा है कि प्रशासन स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में दंगा स्थल से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एड्रेस लिखा अपना। चल भी जरा। हाँ क्या रे, अमिताभ बच्चन समझते आपने आपको? लिख। चल अपना नाम लिख और एड्रेस भी लिखना। चल जल्दी लिख। ठीक है, अब साइन कर। ए इधर आ। ए, ए, अबे तुझसे बोला, इधर आ। तुझसे बोला बे, तुझसे चला। ये देख रहा है, ये तू ही है ना? हाँ, क्या नाम है तेरा? चल नाम बता। उड़िया। हाँ उड़िया। गूंगा है। चल मार दे, बम फेंक दे, छोड़ ना किसी को। अरे इसमें तो अच्छा खासा बोल रहा है, केड़ा समझाया मुझे? ओ तूने पीटा है। लिख लिख, नाम लिख। बाप का नाम लिख। कार्तिक। माँ का नाम? गीता। एड्रेस लिख बे, साइन कर। ए क्या काम करता है रे? अबे अबे ए ना अबे अबे सर सर, इसने बम छुपा के रखा हुआ है। अरे पीछे छोड़ो, पीछे छोड़ो, पीछे छोड़ो, पीछे छोड़ो, पकड़ के रखना। पासपोर्ट है, टिकट, अमेरिका का टिकट। ए यहाँ दंगा करके व्हाइट हाउस उड़ाने वाला था क्या? ऑपरेशन, ओ
बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना है। इंटरनेशनल टेररिस्ट है तू। ये तेरा पासपोर्ट है ना? ये तू है ना? सूर्या, पिता अरविंद स्वामी, माता अनीता देवी, और रजिस्टर में लिखा है पिता कार्तिक, माता गीता। ये ओरिजिनल है या वो ओरिजिनल है? नौटंकी करता है। क्या समझता है खुद को? गूंगे का मुंह कैसे खुलवाया जाता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ले जाओ साले को अंदर। अब ये मुंह से ही नहीं बल्कि हर जगह से बोलेगा। आईजी से लेकर सारे पुलिस डिपार्टमेंट को खबर कर दो। एक भोला छाप तमाकू वाला पान देना। क्यों बेटी, अकेली आई हो? हाँ, मेरे चाचा लापता है, उनको खोजने के लिए मैं अर्जी लेकर आई हूँ। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? कार्तिक। कार्तिक, वो क्या करते हैं? ज्योति सिक्योरिटी फोर्स उन्हीं की है, मैं उनकी बेटी हूँ। कार्तिक जी की बेटी हो? हेलो मिस्टर कार्तिक, आपकी बेटी कहाँ है? आपको इसकी खबर है? आपकी बेटी यहाँ है, गवर्नर को अर्जी देने आई है। हाँ जी, आप जरा देख लीजिए, मैं फौरन आता हूँ। ठीक है, आप आइए। सर, डीसी गए। सर जाइए। सर काफी ब्रिलियंट बच्ची है, अकेले ही गवर्नर से मिलने आ गई। कार्तिक जी की बेटी है। सर, मेरा भाई लापता है इसलिए ये आई है। आई अप्रिशिएट इट। मैं इमीडिएटली इस अर्जी पर एक्शन लूंगा मिस्टर कार्तिक। बहुत शुक्रिया सर। मैं एक क्रिमिनल का पीछा करते हुए यहाँ आया, वो बच के भाग निकला। आपसे बचकर भाग निकले? इतने पुलिस ऑफिसर्स, स्पेशल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी ऑफिसर, एसपी प्रोटेक्शन, ब्लैक कैट,
इन सब के होने के बावजूद जरा से फासले से मेरे करीब से ये बुलेट बगल से निकल गई। तुम जैसे लोग टेररिस्ट से खाक मुकाबला करोगे? गवर्नर के लिए नहीं, गवर्नर के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। क्या फायदा तुम लोगों को रखने से? इट इज ग्रेट इंसल्ट ऑफ माई गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ योर इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। गेट लॉस्ट ऑल ऑफ यू। सर, मिस्टर कार्तिक मिलने आए हैं। आने को बोलो। नमस्ते सर। आपने मुझे बुलाया, कोई खास बात है सर? यस, तुम एक पल में एक अहम वीआईपी हो गए हो। तुम्हारी तरह का एक ऑफिसर इंदिरा गांधी के बगल में, राजीव गांधी के बगल में अगर होता तो बेशक हमारा मुल्क उन्हें हरगिज कभी नहीं खोता। अशोक की लाट में बने शेर की तरह मैं तुम्हें देख रहा हूं मिस्टर कार्तिक। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। इतनी सारी हाईटेक सिक्योरिटी पावर होने के बावजूद उनके सामने तुमने अपनी जान पर खेल कर उस दिन टेररिस्ट अटैक से मेरी जान बचाई है। नाउ आई एम सेफ बिकॉज ऑफ यू। आज सुबह जो कुछ भी हुआ और आपकी जान बचाने का काम मैं कामयाबी के साथ कर पाया, ये मेरी खुशकिस्मती थी। यहाँ कितने हजारों सिक्योरिटी ऑफिसर मौजूद होने के बावजूद मेरी नजरों में सिर्फ कार्तिक ही नजर आता है। मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं, तुम पर वाकई मुझे फक्र भी है। आज और अभी से तुम मेरे पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रहोगे, ये मैं तुमसे कहता हूँ। ये गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट नहीं है, माय पर्सनल अपॉइंटमेंट। एक्सक्यूज मी सर, द टाइम इज 8:30 न्यूज़ टाइम। बट वन थिंग सर, आपकी दी हुई पोस्ट को मैं तुरंत नहीं संभाल सकता हूँ सर। व्हाट हैपेंड? सर, शहर में दंगे के दौरान मेरा भाई लापता हो गया है। जब तक मेरा भाई मुझे मिल नहीं जाता है, मुझे छुट्टी चाहिए सर। यही है मेरा भाई सर, यही है मेरा भाई। परेशान मत हो मिस्टर कार्तिक, तुम अभी फौरन जेल जाओ। तुम्हारे भाई की रिहाई के लिए मैं कुछ न कुछ करता हूँ। बोल कुत्ते। मालिक। क्या है नौकर? आपसे मिलने ये आए हैं। ज्योति सिक्योरिटी सर्विस, कहाँ है ये? विस्टिंग हॉल में बैठने के लिए बोल के आया हूँ। बुलाओ उसको। मालिक, फौरन आने के लिए कहो। जी। ऐसी जगह डंडा डाल के घुसेड़ूंगा कि निकल नहीं पाएगा। एक्सक्यूज मी सर, सर मिलने आए। रे सर मिलने आए। उसके मुंह में कुछ घुसा है क्या? तू क्यों बोल रहा है? वो नहीं बोल सकता। कपिलन। यस, जेलर कपिलन, इसे लेकर जा। मुंह उठाया और जेल तक चलाया। जेल रूल्स पता है ना तुझे? अंदर आना है तो ऐसे आना पड़ता है। कपिलन, दंगे के दौरान अरेस्ट हुए अपने भाई से मैं मिलने आया हूँ। तुम्हारा भाई अरेस्ट है? कौन है? नाम है सूर्या, वो बोल नहीं सकता है। वो तुम्हारा भाई है क्या? बताया ही नहीं उसने। वो बेबी बेबी जो करता है वही ना? सब फोन आया है। अरे रे रे रे, कितने लोगों से मैं एक दिन में फोन पे बात करूंगा? मैं बहुत बिजी हूं। बोल दे। साहब पान खा लीजिए। चल इधर आ। मालिक यही है वो बजाने वाला। क्यों बे, आगे से बजाता है कि पीछे से? तेरा नाम क्या है? सूर्या। यूरिया। ये क्या बोल रहा है? मालिक ये गूंगा है। गूंगा है? तब तो अच्छा गाएगा। चल गा बे। गा नहीं पाएगा, ठीक है तो बजा। अबे ना गा रहा है ना बजा रहा है, फालतू में चिल्ला रहा है, ये किसी काम का नहीं। इधर सुन, तू सुअर है, ये तेरी तरह नहीं है। अगर मेरा हाथ तेरे ऊपर पड़ा तो तेरा सर जूहू बीच पे और थर्ड नरीमन पॉइंट पर मिलेगा, समझ ले। मतलब मैं सुअर तो तू चमगादड़ है? सर मंत्री जी का फोन है। इसे संभाल के रख। हाँ बोलिए मालिक। हाँ
ये क्या हुआ? शर्ट पे खून लगा हुआ है, हाँ क्या हुआ? हाँ अच्छी है, अच्छी है। हाँ भाभी भी अच्छी है। सूर्या मेरी बात सुनो, मेरी जान पहचान है, गवर्नर से बात करके बस दो दिन की छुट्टी है, उसके बाद मैं तुम्हें रिहा करवा लूंगा, तब तक तुम सब्र करो। सूर्या मैं तुम्हारे मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, मुझे माफ कर देना। ए संध्या, सर इसे क्यों अरेस्ट किया है? पति के केस में अरेस्ट किया है। ए संध्या ये सब क्या है? कुछ नहीं बता सकती, प्लीज तुम जाओ। सर ये मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है सर। तुम जानती हो उसे? हाँ सर, 3 साल से हम लोग फ्रेंड्स हैं, ये गलत लड़की नहीं है। तो फिर तुम गलत लड़की हो। ये क्या बोल रहे हैं सर, ऑफिसर की तरह बिहेव कीजिए। क्या गलत कहा? तेरी फ्रेंड तो तू भी तो वैसी होगी ना। ये क्या बोल रहे हैं? उससे पंगा ले रही है, चल अंदर, चल इसको भी अंदर करो। सर प्लीज, चल अंदर, सर छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, ले चलो उसको अंदर, बंद करो अंदर, सर प्लीज, चल चल अंदर। 1500 रुपीस फाइन। किया है मैंने, मेरी फ्रेंड को ले जा रहे थे, मैंने पूछा क्यों ले जा रहे हो, तो पुलिस जबरदस्ती मुझे वैन में बिठाकर यहाँ लेकर आई। सर मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ सर, मैं शरीफ घर की लड़की हूँ सर। प्रोस्टिट्यूशन करने वाली लड़की तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हें कैसे शरीफ घर की लड़की मान ले? ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, इसलिए वार्निंग देता हूँ, 1300 रुपए फाइन। मैं फाइन नहीं दे सकती हूँ, सच में मैंने कोई गलत काम नहीं किया है सर, जब जुर्म ही नहीं किया तो फाइन मैं क्यों दूँ? तुम्हारी बेटी है मालिक, एक मिनट। मालिक ये मेरी ही बेटी, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। मालिक आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, मेरे ऊपर मेहरबानी करके कुछ तो रहम कीजिए। तुम्हारी बेटी को चोरी करने के केस में अरेस्ट नहीं किया गया है, फैसला लिख दिया गया है, फाइन दो वरना जेल जाना होगा। मालिक मैंने बेटी को LKG में पढ़ाते वक्त स्कूल की फीस जमा की, कॉलेज में पढ़ाते वक्त हॉस्टल की फीस जमा की, और अब इस हाल में जबकि कोर्ट ने इसे है तो ये फाइन मैं कहां से ला कर दूं? रहम कीजिए मालिक। फैसला लिखा जा चुका है, फाइन देना होगा वरना 6 महीने जेल में रहना होगा। बेटी मुझे माफ करना, बेटी माफ कर देना बेटी। अदालत में चिल्लाना जुर्म है, तुम्हारा चिल्लाना गलत है, बाहर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह गलत फैसला सुनाने वाला तू जज नहीं है, झूठा है तू। You are cheat, you are a criminal। इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है तू। मैं अब भी कह रही हूँ, मैं वर्जिन हूँ, मैं वर्जिन हूँ। मैं खामोश नहीं रहूंगी,
मैं कसम खा के कहती हूँ, चाहो तो मेरा वर्जी चेकअप करा लो, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरा वर्जी चेकअप करा लो, मेरा वर्जी चेकअप करा लो। इंस्पेक्टर, इस लड़की को वर्जिन चेकअप के लिए भेज दो। 24 घंटे के अंदर मेडिकल रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल करो। She is a virgin. मेरा फैसला गलत नहीं होना चाहिए। याद रहे, कल वो जब कोर्ट में आए तो वर्जिन भी नहीं रहनी चाहिए। मेरे सगे बेटे को लगने वाले फांसी के फंदे को हाथ में लेकर फोटो में पोज दिया है तुमने। इस स्टेट का मैं गवर्नर हूं, किस लिए ये कुर्सी? क्यों मैं करोड़ों रुपया कमा कर जमा कर रहा हूं और किस लिए मैं इस मुकाम पर हूं? किस लिए मैंने जेल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर तुमको पहले वाले जेल सुपरिटेंडेंट को हटाकर भेजा था? अपने बेटे के लिए, अपने बेटे की जान बचाने के लिए क्या करने वाले हो? आपके बेटे को कल फांसी दी जाएगी, बॉडी लेने के लिए भी आप वहां आएंगे, उसका अंतिम संस्कार भी आपके सामने होगा। सर, मुझे जेल जाकर अपने भाई से मिलना है, उसका हालचाल जानना है। सर परेशान मत हो, उसे कुछ नहीं होगा। यस कपिलन। सर, आपसे पर्सनली बात करनी है। बोलो। नो, इट्स प्योरली पर्सनल। सॉरी सर। नो कार्तिक, यही रहो, कार्तिक हमारे लिए पर्सनल ही है। बोलो। एक खास बात है, कल सुबह आपके बेटे को फांसी देने का टाइम फिक्स किया गया है। कल सुबह 5 बजे फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो जाएंगी, कल आप वहां आकर अपने बेटे की बॉडी ले जाइएगा। नो, वो मेरा बेटा नहीं है, वो खूनी है। उसका बाप कोई क्रिमिनल या मर्डरर होगा, उसकी बॉडी को मैं टच तक नहीं करूंगा। ऐसे तो उसकी लाश लावारिस हो जाएगी। होने दो, जुर्म करने वाला गवर्नर का बेटा ही क्यों ना हो, उसके साथ यही होना चाहिए। अगर मैं गवर्नर नहीं होता तो मैं खुद उसे गोली मार देता। उसने ऐसा ही काम किया है। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो एकदम सही है, मुझे मंजूर है। अब सब कुछ खत्म। आपके जाति मामले में बोलने का हक मुझे तो नहीं है, फिर भी उससे जुर्म की सजा तो मिल ही गई ना। आप जैसे नेक इंसान के बेटे की लाश लावारिस करार दी जाए, ये सोचकर ही मेरा मन दुखता है सर। ऐसे इंसान की खातिर मन दुखाने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर कार्तिक। ऐसे खूनी कातिल इंसान को बेटा कहना या उसकी लाश को कंधा देना, ये मेरे बस में नहीं है। मैं उसका मुंह तक नहीं देखूंगा, नहीं। एक पुरानी कहावत है कि बाप के किए हुए कर्मों का दंड बेटा भुगतता है, मगर बेटे के किए कर्मों का दंड बाप को भुगतना पड़े, ये तो एकदम ही गलत है सर। यही संसार की रीति है। सर, आपको अपने बेटे की चिता को अग्नि देने की जरूरत नहीं, मैं अग्नि दूंगा। आप सिर्फ पास में रहिएगा, इतना ही काफी है सर। ये एक बाप को बेटे के लिए दी गई श्रद्धांजलि नहीं है, किसी पड़ोसी के लिए गवर्नर की श्रद्धांजलि है, सोच लीजिएगा। लिया कोर्ट ऑर्डर। थॉमस, जॉन पीटर, शक्ति कुमार, प्रकाश, राकेश, राजू, रामनाथ, दिलीप, धर्मराज, सूर्या, तू इधर आ।
तुम सब आज रिलीज। सर हमें भी, हमें भी। जेल के अंदर जाओ। सूर्या क्या देख रहे हो, तुम भी यहाँ से आज रिलीज हो रहे हो। हाँ पांडे, यस सर, सबसे रिलीज रजिस्टर पर साइन करवा लो और रिहा कर दो। ओके सर। राजामणि जाओ। दिलीप साइन करो। सर एक आदमी कम है। ओ कुत्ता पीछे खड़ा है ना, साइन करो। साइन करो। सूर्या जाओ जाओ साइन करो। साइन करो। तुम्हें ले जाने के लिए भैया, तुम्हारे भैया यहाँ पर आएंगे। हाँ आओ आओ बैठो, डरो मत, तुम्हारे घर की तरह है ये। ओ तुम जो गले में जनेऊ पहने थे वो अब इतने दिन में कहाँ खो गया पता नहीं। ओ तुम जो बजाते थे वो चाहिए, अरे वो माउथ ऑर्गन दो से लो, बजाओ आराम से बजाओ, तुम्हारा पासपोर्ट कोरियर से भेज दूंगा। हाँ ए भारो, चलो निशान मिलाओ। मुझे बचा लीजिए सर। सर पे इसके निशान सर। निशान ओके, गले में भी निशान, ये भी ठीक है, चलो रिकॉर्ड ले जाओ। सर मुझे बचा, अंदर चलो। मुझे बचा लीजिए सर, सर मुझे बचा लीजिए सर, सर मुझे बचा लीजिए सर। सो रहे थे, सोते रहो, अभी भाई आएंगे, बैठ जा बेटा। असलम भाई आ जा। अब बेटा अपना नाटक बंद कर और मेरी नौटंकी देख। देखो निशान मिलाओ। हिल गया, तू अंदर जा और तुम बाहर आओ। क्या हुआ, अचानक उठकर बैठ क्यों गए? कुछ नहीं, गवर्नर के बेटे को आज फांसी होने वाली है, उसकी डेड बॉडी लेने से गवर्नर ने मना कर दिया है, उनको साथ लेकर मुझे सुबह जेल जाना है। एसी रूम में भी आपको पसीना क्यों आ रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी है, घबराहट भी हो रही है मुझे। सूर्या सो लिया, मच्छर काट रहे होंगे, बहुत दिन सो लिया, लो नया ड्रेस पहन लो। पानी डाल, ये तेरा आखिरी स्नान है। ईश्वर मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, अब मेरा बचना मुश्किल है, जो हो रहा है उसे होने देता हूं। हाँ Thank you.
सर पे निशान, गले पे निशान। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? किरण कुमार है ना? हाँ किरण कुमार, आज तुम्हें फांसी होने वाली है, तुम्हें पता है? हाँ क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे? आज तुम्हें फांसी है, पता है? अरे बेचारा मौत के गम में रात भर सो नहीं पाया, क्या बोलेगा बताइए, बेचारा दुखी है। क्या हुआ मिस्टर कार्तिक, क्या हुआ? अंदर पानी है, पी लो। इसने जो जुर्म किया उसकी सजा से मिल गई। आखिरी बार इसका मुंह तो देख लीजिए। मैं क्यों इसका मुंह देखूंगा, मैं यहां तुम्हारे कहने पर आया हूं, तुम ये सब करने को बोल रहे हो, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। सॉरी सर, आप टेंशन मत लीजिए। अपने लिए ना सही, समाज की रीति के लिए, अपने बेटे की आत्मा के लिए, इसकी आत्मा की शांति के लिए, इसकी चिता को आप दया करके आग दे दीजिए सर। ये क्या मिस्टर कार्तिक, इसे लावारिस ही रहने दो, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ आया था। मैं आग नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, हरगिज नहीं दूंगा। सर
अगर आप बुरा ना माने, आपकी इजाजत हो तो मैं इसकी चिता को आग दे दूं सर। तुम्हें जो करना वो करो, करो। हाँ को शांति मिले। ओह मिस्टर कार्तिक, मैं अपने भाई के बारे में सर जिससे भी पूछ रहा हूँ सही जवाब नहीं मिल रहा है। उसे तो कल ही रिहा कर दिया ना, 10 लोगों के साथ वो भी रिहा हो गया। रिहा कर दिया सर? मेरा भाई घर तो नहीं आया? लोक मिस्टर, यहाँ रहने तक की जिम्मेदारी मेरी है, उसके बाद वो कोठे पे जाता है, अड्डे पे जाता है, ठेके पे जाता है, बार में जाता है, घर में जाता है, जहन्नुम में जाता है, ये सब जिम्मेदारी मेरी नहीं है। डोंट वेस्ट माई टाइम। और हाँ, तुम्हारे भाई का नाम सूर्या है ना? रिलीजिंग रजिस्टर पर तुम्हारे भाई के साइन है, चाहो तो चेक करके जाना। बाय। आई विल ट्राई विद द एयरपोर्ट सर। हेलो, इज इट एयरपोर्ट? यस। कुड यू प्लीज कनेक्ट मी टू इमिग्रेशन डिपार्टमेंट? जस्ट अ मिनट सर। हेलो, I am speaking from Air India booking officer, sir. Yes, sir. I would like to know some detail about Mr. Surya. His passport number 3771854. 1 minute, sir. Yes, yes, checked in, sir. Huh? He is going to America, sir. Huh, huh. Thank you, sir. Sorry, Mr. Karthik. It's confirmed. आपके भाई के पासपोर्ट को चेक करने वाले इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं बताया, वो ऑलरेडी अमेरिका जा चुके हैं। जेल से भाग के कहाँ जा रहा है? सूर्या के भाई को फांसी पे लटका दिया है, ये उसके भाई कार्तिक को बताने जा रहा है ना? दीवारों के भी कान होते हैं, सुना नहीं क्या? तो आज सुन ले। आपके पास ही भाग के आ रहा था, इसने मुझे मार दिया। आपके भाई को जेल में, मेरे भाई, आपके भाई को जेल में, मेरे भाई को जेल में, आपके भाई, मेरे भाई को जेल में। ये क्या बोल रहा था? ईश्वर, तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं उसका पीछा करता हूँ। ठीक है सर।
जेल में रहने वाला ये कैदी अगर बाहर घूम सकता है तो रिहा किया गया मेरा छोटा भाई भी इस जेल में हो सकता है। शाबाश, दिमाग तेज है। तेरे काले कफन वाले वकील और कोर्ट के जज की चड्डी तक का इतिहास मुझे पता है, मगर इस जेल का हर रिकॉर्ड बता रहा है कि तेरा भाई रिहा किया जा चुका है। तू चाहे तो जेल के हर एक संडास को झांक कर देख सकता है। ए, इस सांड को अंदर ठूस दो। ए, कपिलन, तू अपने जेल रिकॉर्ड में लिख ये जेल से फरार हुआ। मैं अपने रिकॉर्ड में लिखूंगा मेरे हाथों गिरफ्तार हुआ। तुम लोग जिस जिस एरिया में ड्यूटी कर रहे हो उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर फौरन ही मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दो। सर, इस तरह की कंप्लेंट क्यों सर? नो आर्गुमेंट्स, इट्स माय ऑर्डर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। सब बच्चा लोग जोर से ताली बजाओ।
जनाब 18 थाने से अरेस्ट होकर यहाँ आए हैं। पुरखिया रे, तेरी नस नस गिन चुका हूँ मैं। तू यहाँ कैदी की हैसियत से नहीं बल्कि तहकीकात करने आया, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अंदर ले जाओ इसे। संडास में बैठने के अवकाश नहीं, कुर्सी पे बैठेगा कुत्ते। धरट। सॉरी सर। सर जूता चमका दे एकदम से, साफ कर। क्यों, तेरे हाथ में मेहंदी लगी? मालिक दो 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 दो। मालिक क्यों नहीं करूंगा, तुझे अच्छी तरह करूंगा। मेरा पूरा खानदान आपके जूते साफ करेगा। तू 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 आप जैसे ऑफिसर भला मिलते ही कहाँ है सर। अच्छी तरह पॉलिश कर दे। इनकी नाम की राशि का येलो, मेरे नाम की राशि का ब्लू, पूजा की नाम की राशि का रेड। ये तीनों कलर की शर्ट पहनने से हम तीनों को हमेशा अपने पास ही महसूस करता है। ए, मेरे भाई की शर्ट यहाँ कैसे आई, यहाँ कैसे आई? ए, कैदी के रिहा होने के बाद इसे पोछे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बाहर गए मेरे भाई की शर्ट कैसे जेल में आई, बोलना। रेमंड्स को ऑर्डर देकर ऐसी डिजाइन वाली शर्ट बनवाई थी क्या? ऐसी हजारों शर्टें बाजार में बिकती हैं, उनमें से एक ये भी है, भेजा खा रहा है। ये मेरे भाई की ही शर्ट होगी। कल वो रिहा होते वक्त कैदी वाली ड्रेस पहनकर चला गया, तेरे भाई को मैंने एक जोड़ी ड्रेस खैरात में दे दी। ए, चीटी के भेजे को ही तू जानता है, इस कार्तिक के भेजे को तू नहीं जानता। जेल से बाहर जाने तक मेरा भाई कहाँ है अगर पता नहीं चला, तेरा इतिहास बदल दूंगा। जाओ जाओ, सब जाओ आराम से। तो मालिक आपको याद ही कर रहा था और आप खुद ही आ गए। बात करनी है, उसे आने को बोलो। ठीक है मालिक। हेलो, क्या दीवार तोड़ने का इरादा है? कैदी का ड्रेस पहना तो गवर्नर तुझसे मिलने के लिए आ गया, अगर कमिश्नर का ड्रेस पहनता तो जॉर्ज बुश तुझसे मिलने आता क्या? फॉलो मी। नमस्ते सर, आप ही से बात करने को मैं सोच रहा था। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कप्लेन अपना ही आदमी है, बोलो। सर, मेरे भाई को कहीं छुपा दिया है, रिहा कर दिया है, ऐसा जेलर झूठ बोल रहे हैं सर। मेरे छोटे भाई की शर्ट एक कांस्टेबल के पास से मिली, रिहा होने के बाद भला जेल में शर्ट कैसे आएगी? आपसे एक विनती है, मेरा छोटा भाई कहाँ है अगर ये पता चल जाए तो मेहरबानी होगी सर। ये सब क्या है जेलर, तुम्हारे सामने तुम्हारी इस तरह शिकायत कर रहा है और तुम खामोश देख रहे हो। सर, मैं कार्तिक हूँ सर, भूल गए क्या? क्या भूलने को बोल रहा है, तेरी होशियारी की वजह से ही जिस गवर्नर के घर में कमिश्नर भी कांपता था, उसी घर के अंदर घुसकर तूने जो तहकीकात की वो भूल जाऊं? असेंबली में एमएलए के हाथ जिसके खिलाफ कभी न खड़े हुए, उसके जिगर के टुकड़े को तूने एक पल में फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया, वो भूलूं? अपनी होशियारी का झंडा इस शहर में फहराने वाला कार्तिक आज अपने ही भाई की रिहाई की भीख मुझसे मांग रहा है, अब कहां तेरी होशियारी धंधा करने चली गई? जिस जगह पर तू अपने भाई को तलाश करने कैदी बनकर आया है, उसी जगह पर मेरे बेटे को भेजकर मुझे दिया था। अपने दिमाग की जंग से तूने हमारी पोजीशन को मिट्टी में मिला के रख दिया। नाम स्पॉइल करने को तूने मेरे बेटे को अदालत में भेजकर मुझे मजबूर किया, जिसके पास इतनी पावर थी। जब तूने इतना सुना तो और सुन ले, तेरा भाई मर चुका है, तेरा भाई मर चुका है, तेरा भाई मर चुका है। सूर्या मर गया, ए, गवर्नर पर हाथ उठाता है, साले तेरा हाथ उखाड़कर खेत में गाड़ूंगा। मेरे बेटे के फांसी के फंदे में तेरे भाई को लटकवा दिया और तेरे भाई के पासपोर्ट पे अपने बेटे का नाम लिखवा कर अमेरिका भिजवा दिया। उस दिन जलाने के लिए मेरे बेटे की डेड बॉडी के बदले में तेरे भाई की डेड बॉडी मंगवाई और तेरे यहाँ तो उसकी चिता जलवाई। नहीं, यही है मेरी खासियत,
तू बुद्धिशाली तो मैं क्रिमिनल बुद्धिशाली। मिलने के लिए तेरी बीवी और बेटी यहाँ पर आई हुई है। अगर तू बोले तो बगल वाली कोठरी में उन सबको भी मैं कैदी बनाकर डाल दूं। मिलने में आसानी हो जाएगी बगल में रहेगी तो। जब दिल तड़पेगा उसको देख लेना। ए, क्या बे? चल बे। ये तबीयत ठीक नहीं है बोल के वापस भेज दूं? डैडी, आपने इस तरह का ड्रेस क्यों पहना है? नहीं बेटा, तुम स्कूल जाती हो ना यूनिफॉर्म पहन के, उसी तरह मैं जेल में इंक्वायरी के लिए आया हूँ। ये जेल यूनिफॉर्म है। चाचा ने कोई गलती नहीं की, फिर भी उन्हें जेल में क्यों रखा है? चाचा ने गलती नहीं की, उसने गलती की है। सूर्या कहाँ है? मुझे सूर्या को देखना है। है गीता, अंदर ही है। कोर्ट ऑर्डर तो रिहा करने को मिल गया है, तो फिर अभी उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? मैंने बुलाया, भाभी आई है, अनु आई है, पूजा भी आई है, बताया, मगर वो आ ही नहीं रहा है। हम सबसे वो छुपा रहा है। तुमने जो जन्मदिन पर ड्रेस लाकर दिया था वो झगड़े में फट गया है। अभी वो कैदी के ड्रेस में है, उसे पहन के तुम्हारे सामने आने से कतरा रहा है। किसी तरह उसे समझा बुझा कर यहाँ ले आइए ना, एक बार उसे देखकर हम वापस चले जाएंगे। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है क्या? कोई भी बुलाए वो उसके सामने नहीं आएगा। मैं किस तरह उसे बुलाऊं? किस तरह वो आएगा? सूर्या, गीता, तुमने गीता पढ़ी है? हम क्या लेके आए, हम क्या लेके जाएंगे यहां से? ये जीवन तो उसी का है, उसी के पास वापस जाना है। जीवन इसी का नाम है। जीवन तो अपने वश में नहीं है, आत्मा तो आती है जाती है, शरीर ही बदलता है, आत्मा कभी नहीं बदलती। है।
आत्मा तो वही रहती है, वही रहती है, वही। आप कुछ छुपा रहे हैं, आप कुछ छुपा रहे हैं। सूर्या को क्या हुआ बोलिए ना, सूर्या को क्या हुआ, मेरे सूर्या को क्या हुआ? सूर्या के जिंदा रहने पर तुमने उसका दिल तोड़ दिया था, और अब मेरा सूर्या कहती हो? क्या कह रहे हैं? सूर्या नहीं मर सकता। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं मानूंगी। मेरे सूर्या को क्या हुआ पता? चला गया। सूर्या को क्या हुआ? सूर्या को क्या हुआ? सूर्या चला गया। गीता, सूर्या चला गया। सूर्या हमें छोड़कर चला गया, किसी और को फांसी देने की जगह पर गवर्नर ने मुझसे बदला लेने के लिए सूर्या को फांसी पर लटका दिया। मेरा सूर्या मुझे छोड़कर चला गया, मेरे दिल का टुकड़ा चला गया, टुकड़ा चला गया। हमारी हस्ती खेलती जिंदगी को किसी की नजर लग गई। अपने हाथों से उसे अपने बच्चे की तरह पाला था मैंने, और इन्हीं हाथों से उसे चला दिया, चला दिया। मेरा सूर्य हमेशा के लिए, हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। मैंने आप लोगों को सताया और ऊपर वाले ने मुझे सताया। मैं आपके मासूम भाई के प्यार के काबिल काबिल नहीं थी, इसलिए ऐसा कहा था। मैं यहाँ गवर्नर को मारने के लिए आई थी, आपके भाई के लायक नहीं थी मैं, इसलिए आपका दिल दुखाया था। मैंने सोचा था जब जब आपका भाई बोलने लगेगा तो उसे सारी बातें बता दूंगी आपके भाई को सताने का। मेरा इरादा नहीं था, ऐसा क्यों हो गया? मैं आपके भाई को भुला नहीं पाऊंगी, नहीं भुला पाऊंगी मैं उसे। मुझे माफ कर दीजिए। उस गवर्नर ने तुमसे तुम्हारी मासूमियत छीनी, मुझसे मेरा भाई छीना। जेल से बाहर आने के बाद उसकी वो हालत करूंगा कि उसे अपनी ही हालत पर घिन आए। मेरे भाई सूर्या की जान लेने वाले डॉन गवर्नर, तेरी मौत मुकर्रर है। अशोक कुमार, कार्तिक सर ये लीजिए भगवत गीता, पढ़िए, शांति मिलेगी, मुश्किल आसान हो जाएगी, पढ़कर देखिए। ये लीजिए, सोचिए नहीं, पढ़कर देखिए, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। Oh!
बाद इस जेल में तू नहीं सिर्फ तेरी रूह भटकेगी। जिस तरह तूने मेरे भाई को फांसी दी थी ना, देख आज उसी तरह की फांसी मैं तुझे दूंगा। मेरे बेजुबान बेकसूर भाई को तूने फांसी देकर मारा था ना, अब तू बेजुबान हो जाएगा। एहसास कर उस मौत का, एहसास कर। ए, उसकी मौत की महक का एहसास तूने किया था ना, तुझे मार कर मुझे भी वही एहसास होगा। कार्तिक सर आप यहां से भाग जाइए, भाग जाइए सर, गुंडों ने आकर इसे मार दिया, हम बोल देंगे, भाग जाइए सर, जाइए सर, जाइए सर, जाइए सर। कार्तिक द ग्रेट एस्केप। शोभा। शोभा ही बोल रही हूँ अंकल। तुम मेरे बेटे के पास फौरन अमेरिका जा रही हो। थैंक यू अंकल। तुम्हारा पासपोर्ट वीजा सब रेडी है, आज रात की नाइट फ्लाइट में सीट कंफर्म है। आपसे मिलकर आशीर्वाद लेकर ही जाऊंगी। हाँ, पासपोर्ट में तुम्हारा नाम होगा नंदिनी। तुम डांस प्रोग्राम के लिए वहाँ जा रही हो, और हाँ, वन वीक के बाद मैं वहाँ कर ज्वाइन करूँगा। ओके ओके अंकल। ए, मुझसे मिलने के लिए एक वीआईपी लड़की आइकॉन कार में यहाँ आ रही है, उसे कोई भी सिक्योरिटी डिस्टर्ब किए बिना यहाँ अंदर आने दो। यस सर। दो दिन की मीटिंग लखनऊ में है, फिर भोपाल में एक दिन की मीटिंग है, और फिर वापसी। ओके। ये क्या है? सबको बाहर जाने को बोलो। आउट, सब जाओ। व्हाट इज दिस? मैं कौन हूँ? तूने पहचान लिया ना? तू जब जज था तब तूने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह की थी, मैं वही हूँ, अनु, अनुराधा। Hey, don't shoot. मेरे बाप ने मुझसे सही कहा था कि नागिन को जख्मी कभी नहीं छोड़ना। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल तू ही है। अब तू मेरा क्या उखाड़ लेगी? हैं, पुअर गर्ल।
एक खूनी क्रिमिनल गन गवर्नर के घर में घुसाई? सिक्योरिटी क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? आओ बहादुर आओ, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी तू शेर की मान में घुस आया है? तू खुद तूने या जुए का अड्डा समझ रखा है गवर्नर के घर को? हाँ, अगर गवर्नर चाहे तो तेरे घर को भी वेश्या का कोठा बना सकता है। तेरे चारों तरफ जो मौत खड़ी उसे देख रहा होगा। दुनिया को अपनी जेब में रखने वाला चाणक्य मैं ही हूँ। क्यों उछल गया ना? ये सब पुलिस नहीं है, मेरी सिक्योरिटी सर्विस है। ये मेरी दिमागी जंग है। पापी, बच्चे की तरह बेगुनाह, बेजुबान, बेकसूर मेरे मासूम छोटे भाई के साथ ना इंसाफी करके उसे फांसी पर लटका दिया। उस पाप का दंड देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर कोई गलत काम करे तो उस पर निगाह रखना गवर्नर का काम है, और इसीलिए आवाम ने तुझे ये ओहदा दिया। और कोर्ट ने क्रिमिनल माइंडेड तेरे उस खूनी बेटे को जो सजा सुनाई थी, उस फैसले के साथ तूने अपने गवर्नर के पावर से संविधान के उस गौरव को ही मिटा डाला। अपने जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए ही तूने ये सब कर डाला। अरे कितने ही बच्चे, कितने ही जवान, कितने ही पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। इस मुल्क के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मेरे भाई को तूने फांसी पर नहीं चढ़ाया, इंडिया की सारी आवाम, सारे संविधान, सारे न्याय को फांसी पर चढ़ाकर खत्म कर दिया। तूने न्यायाधीश होकर संविधान के साथ धंधा किया, गवर्नर होकर आवाम के साथ धंधा किया। तूने पूरे देश को एक तरह की मंडी बना करके अपनी पदवी के बल पर सारी राजनीति के साथ धंधा किया। मैं तेरा सर्वनाश करके रहूंगा। आज के बाद तुझसे काम कोई नहीं करेगा। सदाचार का बीज इस भूमि पर बोकर तुझ जैसे को यहाँ से निकाल कर अगर तेरी मौत का धंधा ना किया तो ये भूमि मुझे माफ ना करे। कमीने, तूने मेरा सोया, मेरा सौती सब छीन लिया, सब छीन लिया, सब छीन लिया। अनु, 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 तुम यहाँ क्यों आई थी? अनु, बोलो ना, अनु, बताओ ना, अनु, 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 तुम यहाँ क्यों आए थे? अनु, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? कार्तिक, मैं गवर्नर का पीए बोल रहा हूँ। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे को कॉन्फ्रेंस हॉल में शीशे में बंद करके रखा गया है। तुम आकर उनको बचा लो, उनको आकर बचा लो। कार्तिक, कार्तिक उन्हें आकर बचा लो। तुम सब उस तरफ जाओ, जाओ। वो लोग उसी तरफ गए हैं, जल्दी जाकर उन्हें बचा लो। Thank you.
गवर्नर ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, ये झूठ बोलकर आप सब लोगों को बुलाने वाला मैं ही हूँ। न्याय बचाने के लिए, कार्तिक को बचाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था, इसीलिए मैंने आप लोगों को एक साथ यहाँ बुलाया है। आपको उसे बचाना ही होगा।
आप सबका शुक्रगुजार हूँ। न्यायाधीशगण, आदरणीय वकीलों, पुलिस अधिकारियों, आपको यहाँ बुलाने का कारण है। गवर्नर के बेटे को फांसी की सजा आपने ही सुनाई थी ना? हाँ जी। उसे फांसी नहीं हुई, वो जिंदा है। ये मरा नहीं, जिंदा है। यह आज सुबह अमेरिका से यहाँ आया है, एयरपोर्ट से यहाँ लाया गया। इसके बदले पुलिस ने फांसी पर चढ़ाया मेरे भाई को। इस सब का कारण है ये गवर्नर। मेरे भाई को फांसी पर चढ़ाने में जेलर का साथ दिया इस खूनी गुंडे ने जो यहाँ पर खड़ा है। पुलिस इन गुंडों को पकड़ती है, कोर्ट में लाती है, कोर्ट में सजा मिलती है, जेल में सजा काटने के बाद FIR को पब्लिक थाने में दर्ज कराती या कोर्ट में गवाही देती है। उनको रिहा कराने के लिए नहीं, रिहा होने के बाद वो क्या करते हैं किसी को नहीं पता। ऐसे कानून की वजह से ही ऐसे क्रिमिनल पैदा होते हैं। ऐसे गुंडों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये फिर से ये जुर्म ना कर पाए। इस देश का उज्जवल भविष्य आप लोगों के हाथ में ही है। आज का रिहा किया गया गुंडा कल का आतंकवादी है। मैंने जो भी कहा वो सारे सबूत इसमें मौजूद है। एक मिनट, अगर ये मुल्क दुबई होता तो चौराहे पर सरकलम कर देते। अफगानिस्तान होता तो मुझे चौराहे पर फांसी दे देते। ये इंडिया है, मैं फिर वापस आऊंगा और वापस आकर फिर अपना इतिहास बनाऊंगा। याद रखना मैं फिर आऊंगा, याद रखना तू। बंदूक कभी किसी इंसान को नहीं मारती, बल्कि इंसान ही इंसान को मारता है।